हेलो दोस्तों, ये बैटरी जो है तो 12 वोल्ट की है। 12 वोल्ट 7 EH की बैटरी है। उसके बाद में ये जो बैटरी है, ये बैटरी 12 वोल्ट 1.3 AH की है। और ये बैटरी 3.7 वोल्ट की है, 2000 mAh की। एक मोबाइल की बैटरी 3.7 वोल्ट की, इसका ये देख लीजिए 1500 mAh की बैटरी ये एक है। ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ये 1.2 वोल्ट की बैटरी है, 1.2 वोल्ट। इसका ये 600 mAh की है। अब तो चलो दोस्तों, अब ये जो पैनल है, ये पैनल आप कौन से बैटरी को चार्ज करेंगे तो देखना आपको। ये मेरे पास तीन पैनल है, ये तीन पैनल अभी है। ये देखो, ये जो पैनल है, ये पैनल है ओपन सर्किट वोल्टेज उसका 11 वोल्टेज है, शॉर्ट सर्किट है 0.36 ये, और 9 वोल्ट का है, 3 वाट का सोलर पैनल है। और ये जो है, ये 1 वाट का है, इसका वोल्टेज है 5.40 वोल्टेज का है, ओपन शॉर्ट सर्किट है 7 वोल्टेज, और उसका शॉर्ट सर्किट करंट 2.0.225 का है। अब ये तो हो गया। उसके बाद में ये देखो, ये 3 वाट का 8.97 वोल्ट है, और ओपन सर्किट वोल्टेज उसका 11.2 वोल्ट का है, तो ये भी 8.97 यानी कि करीब करीब ये 9 वोल्ट का है। तो चलो इसके ऊपर आप चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है भगवान तलेकर। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मैं ऐसे आपके लिए वीडियो हमेशा लाते रहूँगा। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कौन सा काम। ये देखो, ये एक LED है, ये 12 वोल्ट की LED है, ये LED 12 वोल्ट की है, ये 3 से 5 6 वोल्ट पे चलती है, ये भी 3 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट तक चलती है, ये 12 वोल्ट की LED है। उसके बाद में ये एक LED है, 9 वोल्ट तक चलती, 3 से 9 वोल्ट तक। और ये ब्राइटनेस कंट्रोल करा मैंने, ये व्हाइट LED लगती है। इसके बाद में जिधर घुमाए उधर, इधर ये साइड में घुमाएंगे तो व्हाइट लगेंगे, अगर ये साइड में वेरिएबल लाइट घुमाएंगे तो ये लाइट लगेगा, बाकी व्हाइट LED बंद हो जाएगी। उसको ऐसे घुमा सकते उसका ऐसा। अरे मैंने घर को ऑटो कट चार्ज बनाया, देखते हैं कौन सा काम करता है।